नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ रोचक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भगवान शंकर को कौन से फूल बेहद प्रिय हैं, जिसे चढ़ाने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारियां समय से आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के पूजा पाठ से जल्द ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह पूजन विधि विधान से किया जाना जरूरी होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी का माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की खास पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे काले रंग के वस्त्र पहनकर न करें पूजन और न ही अर्पित करें कुमकुम और सिंदूर। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती। कहा जाता है कि वे बहुत भोले हैं, अपने भक्तों की प्रार्थना जल्द ही सुन लेते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन से फूल हैं जिनको चढ़ाने मात्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के व्रत में जरूरी नहीं होता है कि आप फल आहार ही खाएं, एक दिन सादा खाना भी खाया जा सकता है। बहुत जल्दी उठकर स्नान करने और भगवान शिव की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन शिव जी पर जल अर्पित करना चाहिए और अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाने से आपको कई लाभ मिलता है। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियां दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के जलाभिषेक के बाद उनको शिव प्रिय बेलपत्र समर्पित किया जाता है। वहीं आकड़ा, परिजात आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं। भांग, धतूरे, ऋतुफल, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। कैलाशपति शिव को विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों को चढ़ाने का प्रावधान है। अलग अलग तरह के फूलों को समर्पित करने से शिव भक्त को इच्छा अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों जानते हैं कि वह कौन से फूल हैं। माना जाता है कि शिव जी को सम्मी के फूल, बेला का फूल प्रिय है। उन्हें सावन में जो भी यह फूल अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का भी विशेष महत्व होता है। यह भी भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगला जो फूल है वह है कनेर का पुष्प। भगवान शिव को ही नहीं, तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है, तो समाज में उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। अगस्त के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग हथिया, मणिवृक्ष, वंशेन आदि नामों से भी जानते हैं। मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसलिए यह इसे अगस्त कहा जाता है। दोस्तों, भगवान की शिव की पूजा में हरसिंगार के फूल का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हरसिंगार के फूलों को परिजात का या शिवली का फूल भी कहते हैं। यह फूल सफ़ेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख व वैभव में वृद्धि होती है। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो दाम्पत्य पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है।
दोस्तों यह भी मान्यता है कि यदि दुख दरिद्रता को दूर करना है तो जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसके घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।